हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। ओके, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, उसमें हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स का एक कंप्लीट टॉपिक कर लिया था कि बंद विद्युत पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ओपन सरफेस का कैसे निकालते हैं। और एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जिस क्वेश्चन पर आधारित है किसका कॉन्सेप्ट, गाउस के नियम का कॉन्सेप्ट। ठीक है बात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग सीखते हैं कि गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम, और गाउस का नियम कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और उन अनुप्रयोगों के अंदर ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं गाउस का नियम। चलिए जी, गाउस के नियम को समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कुछ इस प्रकार से था वो बंद पृष्ठ। ठीक है बात, क्या चीज़ था ये हमारा बंद पृष्ठ, और इस बंद पृष्ठ के बाहर एक पड़ा हुआ था इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस कैपिटल के, वो मैग्नीट्यूड का। और मैंने पूछा था कि इस बंद पृष्ठ के साथ संबद्ध होने वाला कुल फ्लक्स कितना आएगा। ठीक है बात। तो इसके लिए आप देखो क्या करोगे, एसेंशियली या आप लोग प्रारंभिक रूप से यदि फ्लक्स की अवधारणा को समझें तो फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स मैंने आपको बताया था किसी भी एरिया को लंबवत क्रॉस करने वाली या किसी भी एरिया को क्रॉस करने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, अपना विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यदि मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूँ इस कैपिटल के चार्ज का, तो वो विद्युत बल रेखाओं की सहायता से हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। और विद्युत बल रेखाएं तो इसकी चारों तरफ होंगी इस प्रकार से, ये इसकी विद्युत बल रेखा है, ये इसकी विद्युत बल रेखा है, ये इसकी विद्युत बल रेखा है, चारों तरफ इसकी विद्युत बल रेखाएँ होंगी। और उनमें से मैंने मान लिया कि तीन विद्युत बल रेखाएँ इसमें एंटर कर रही हैं। देखो इस सरफेस के साथ कितनी एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीन रेखाएं यहां से एंटर की और तीन रेखाएं क्या कर गई, यहां से बाहर निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस बंद पृष्ठ में जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश की उतनी ही विद्युत बल रेखाएं यहां से बाहर भी निकल गई। तो इसका फ्लक्स कितना होना चाहिए, इसका फ्लक्स ज़ीरो होना चाहिए। इसका फ्लक्स कितना होना चाहिए भाई, ज़ीरो होना चाहिए। क्यों ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स प्रारंभिक रूप से क्या है, किसी भी क्षेत्रफल को क्रॉस करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। तो यदि इसको इंटर भी तीन कर रही हैं और बाहर भी तीन निकल रही हैं तो फाइनाइट कितना आएगा, इसका ज़ीरो आएगा। लेकिन यहाँ से एक और बड़ा निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकला कि हमारा चार्ज है वो चार्ज सरफेस के बाहर है, यानी कि बंद पृष्ठ के बाहर है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना बात। तो हमें यहाँ से ये बात पता चली कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, तो पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स सदैव कितना रहता है भाई, ज़ीरो रहता है, सदैव ज़ीरो रहता है। और इसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो फ्लक्स का मान तो यहाँ पर ज़ीरो है, बट क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र वो इस सतह पर ज़ीरो होगा क्या। तो हमारा आंसर है कि इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि स्पेस के अंदर कोई क्यू चार्ज है तो उस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना लिखते होते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो उसी प्रकार से यदि हम लोग इस पृष्ठ के इस पॉइंट पर बात करें, ए नंबर पॉइंट पर, तो ये वाला ए नंबर पॉइंट इस चार्ज से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर होगा, जैसे मान लिया कि आर ए डिस्टेंस पर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर। उसी प्रकार से ये मान लो बी पॉइंट है और इस चार्ज से या इस आवेश से आर बी डिस्टेंस पर है, तब भी इसका यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, के क्यू बटा में आर बी स्क्वायर। मतलब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा, लेकिन फ्लक्स उसका कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। अर्थात बाहर स्थित आवेश का, अर्थात बाहर स्थित
आवेश का विद्युत क्षेत्र, सतह पर नॉन ज़ीरो रहता है। क्या रहता है अपना? नॉन ज़ीरो रहता है। ओके, सिंपल सी बात है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लें। कंडीशन थी कि यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर हो तो फाई नेट यानी कि उस बंद पृष्ठ से जुड़ने वाला कुल फ्लक्स तो ज़ीरो होगा, पर उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बाहर स्थित आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, वो नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है बात। ओके, अब मैं एक अलग कंडीशन लेके चलता हूँ। इस कंडीशन की हेल्प से हम लोग किसका स्टेटमेंट तैयार करेंगे? गाउस के नियम का स्टेटमेंट तैयार करेंगे। मान लेता हूँ कि ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक तो आवेश रखा हुआ है प्लस Q1 मैग्नीट्यूड का, दूसरा आवेश रखा हुआ है प्लस Q2 मैग्नीट्यूड का, और एक तीसरा आवेश इस बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है Q3 मैग्नीट्यूड का। ये कंडीशन है। मेरे को क्या करना है? मेरे को इसका टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। किसका फ्लक्स फाइंड करना है? इस बंद पृष्ठ का फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है बात। अब इस बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स आएगा वो देखो किसके बराबर आएगा, क्योंकि बंद पृष्ठ है तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करेंगे? समाकलन विधि का यूज़ करेंगे। तो इसका जो फाई नेट आएगा वो फाई नेट देखो किस किस के बराबर होगा। फाई नेट बराबर होगा Q1 आवेश का जो फ्लक्स आएगा, उसी प्रकार से Q2 आवेश का जो फ्लक्स आएगा और Q3 आवेश का फ्लक्स आएगा। उन तीनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या मिल जाना चाहिए? फाई नेट मिल जाना चाहिए। ठीक है ना बात। तो मेरे को फाई नेट यानी कि इस बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Q1 के फ्लक्स को, Q2 के फ्लक्स को और Q3 के फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा, चाहे इस Q3 की वैल्यू कितनी आए, अपने पास ज़ीरो आए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ इसको? Φ1 प्लस Φ2 प्लस Φ3 ऐसा लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि फाई एक अदिश राशि है इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका जोड़ कर दिया। अब Q1 आवेश का जो फ्लक्स होगा उसको मैं लिखता हूँ, बिकॉज बंद पृष्ठ के लिए आपको फाई का फॉर्मूला पता है। बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है? E⃗ · dA⃗। इस प्रकार से, ठीक है। और dA⃗ मैं यहाँ पर कहीं मान लिया, इस प्रकार से यहाँ पर कहीं मान लिया मैंने dA⃗ dA। तो पहले मैं Φ1 को लिखता हूँ। Φ1 को लिखने का तरीका होगा बंद पृष्ठ का समाकलन और Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर या इस एलिमेंट पर मैं मान लेता हूँ कितना है, E1 है। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E⃗ · dA⃗ प्लस दूसरे के लिए मैं चार्ज के लिए लिखूँगा, तो दूसरे चार्ज का परिमाण Q2 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ कि यहाँ पर कितना आएगा, E2 आएगा। तो इसका आप लिखोगे, इसका फ्लक्स कितना बनेगा? E⃗ · dA⃗। परंतु थर्ड नंबर चार्ज है उसको आप लोग क्या लिखोगे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना आएगा? देखो मान लेते हैं कि E3 आएगा, तो इसको आप लोग लिखोगे E⃗ और प्लस में ·dA⃗। E⃗ · dA⃗ ऐसा इसको आप लोग क्या कर दोगे? नोट कर दोगे। इसको आप लोग इतना नोट कर लें एक बार। ओके जी, ये स्थिति हम लोगों ने पढ़ ली कि यदि बाहर आवेश है तो फ्लक्स का मान कितना होगा? ज़ीरो होगा, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सतह पर क्या रहेगा? अपना नॉन ज़ीरो रहेगा। अब आप लोग दूसरा कंसिडरेशन करें कि आप इस आवेश को पृष्ठ के अंदर ले आएँ और फिर देखें कि फ्लक्स की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है या ज़ीरो होती है। तो मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ, एक सिमेट्रिक सा पृष्ठ ले लेता हूँ। मतलब मैंने जो बंद पृष्ठ लिया है वो एक प्रकार का गोला है, कितनी त्रिज्या का गोला मान लेते हैं उसको हम लोग, कैपिटल R त्रिज्या का गोला मान लेते हैं, और इसके अंदर मैंने वो चार्ज रख दिया यानी कि प्लस Q अंदर रख दिया। अब इसका फ्लक्स फाइंड करके देखें, तो बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ का फ्लक्स लेने के लिए क्या करते हो आप लोग? एक अल्पांश काटते हो dA मैग्नीट्यूड का और उसका डायरेक्शन लिखते हो परपेंडिकुलर dA⃗। अब इस अल्पांश पर इस आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लेते हैं कि E है और उसकी डायरेक्शन ये होगी।
क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस से दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फॉर्मूला यूज करें जो बंद पृष्ठ के लिए था, फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर। अब आप देखें कि यहाँ पर इनके बीच में जो थीटा बन रहा है, ई और बी के बीच, ई और ए के बीच में जो थीटा बन रहा है वो जीरो डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है दोनों। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो ई डी ए कॉस थीटा लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल था और अदिश गुणनफल हटाते हो तो क्या लगता है साथ में, कॉस थीटा। थीटा जीरो होने से ये टर्म अपने को कितनी मिली, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अब यहाँ ई क्या चीज़ है ये ध्यान रखनी होगी, बात है ई है इस अल्पांश पर यानी कि सतह पर, गोले की सतह पर प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और ये वाला जो अल्पांश है ये सतह से कितनी दूरी पर है, कैपिटल आर दूरी पर है। तो ई का मान आप लिख सकते हो, ई बराबर हो जाएगा के कैपिटल क्यू बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। जब आप लोग इस वैल्यू को समाकलन के अंदर रखोगे तो ये सारे कांस्टेंट हैं, समाकलन से बाहर आ जाएंगे। तो इस बार फाई नेट कितना मिलेगा आपको, फाई नेट आपको मिलेगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए का इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब है कि यदि मैं इस गोले की सतह पर ऐसे डी ए डी ए डी ए एलिमेंट ऐसे जोड़ता जाऊं तो मेरे को इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाना चाहिए, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फोर पाई आर स्क्वेयर। तो फोर पाई आर स्क्वेयर से फोर पाई आर स्क्वेयर को क्या कर दिया, कैंसिल। तो इस बार देखो कि फाई नेट की वैल्यू आपको कितनी मिली, फाई नेट मिला क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये ज़ीरो है, क्या ये ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर पड़ाए तब तो फाई नेट ज़ीरो होगा, लेकिन बंद पृष्ठ की सतह पर ई का मान नॉन ज़ीरो होगा। परंतु यदि उसी आवेश को हम लोग बंद सतह के अंदर रख दें तब फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है, उस सतह के अंदर जितना चार्ज हो और उसके भाग में निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स आता है। ठीक है ना बात, एसेंशियली यही गाउस का नियम है। यदि आप लोग साधारण रूप से देखें तो यही गाउस का नियम है। गाउस का नियम क्या कहता है कि यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर है तो उसका फ्लक्स कितना रहता है, ज़ीरो रहता है। परंतु यदि उसी आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर रख दें तो बंद पृष्ठ के साथ जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स कितना होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है और बटा में निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसी को बोलते हैं क्या चीज़ हम लोग, गाउस का नियम। ठीक है बात। अब हमें गाउस के नियम का ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, उसको समझना है। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लें, देखिए गाउस के नियम के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं एक और स्थिति को एज्यूम करता हूँ। हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश रखा मैंने प्लस क्यू वन मैग्नीट्यूड का, दूसरा प्लस क्यू टू मैग्नीट्यूड का, और तीसरा आवेश बाहर पड़ा है प्लस क्यू थ्री मैग्नीट्यूड का। इस आवेश के द्वारा ये जो मैंने अल्पांश लिया है एक डी ए वैक्टर, इस क्यू वन द्वारा डी ए पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं कितना लिख रहा हूँ, ई वन वैक्टर। क्यू टू द्वारा जो ई पर विद्युत क्षेत्र है वो है ई टू वैक्टर, और क्यू थ्री द्वारा जो डी ए पर स्थित इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई थ्री वैक्टर। ठीक है बात। तो यदि मैं अब इस नियम का यूज़ करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि क्यू वन आवेश का फ्लक्स कितना होगा, क्यू वन आवेश का फ्लक्स यानी कि फाई वन। बंद पृष्ठ के लिए क्या लिखते हो, क्लोज इंटीग्रेशन फाई वन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि क्यू वन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई वन वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर बराबर। अब बताओ कि क्यू वन आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर है या बाहर है, तो बंद पृष्ठ के अंदर है, और यदि क्यू वन अंदर है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बराबर में कितना आना चाहिए, क्यू वन बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब आवेश अंदर हो तब फ्लक्स इतना आता होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब यहाँ पर परिमाण कितना है आवेश का, क्यू वन है। इसी प्रकार से जो फाई टू आएगा वो फाई टू को आप लोग कितना लिखोगे, फाई टू किसका फ्लक्स है, क्यू टू आवेश का, क्यू टू आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई टू, तो ई टू वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर।
हम बताओ कि क्या वो टू इधर साइड बटा में एप्सिलॉन नॉट फाई थ्री, फाई थ्री कितना आएगा? फाई थ्री, फाई थ्री किसका फ्लक्स है? थर्ड नंबर चार्ज का। और थर्ड नंबर चार्ज अंदर है या बाहर है? बाहर है, तो इसका फ्लक्स आप डायरेक्ट कितना लिख दोगे? ज़ीरो। अब आप क्या करें, अब आप लोग इन तीनों समीकरणों को जोड़ लें और इस बंद पृष्ठ का टोटल फ्लक्स निकालें, नेट फ्लक्स निकालें, देखो क्या मिलता है। इसका टोटल फ्लक्स निकालें आप, टोटल फ्लक्स निकालोगे तो फाई नेट आपको कितना मिलेगा? फाई नेट मिलेगा आपको क्लोज इंटीग्रेशन ब्रैकेट ई वन वैक्टर प्लस ए टू वैक्टर प्लस ई थ्री वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी ए वैक्टर। लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड कर दिए, राइट हैंड साइड में ऐड करो, क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू टू बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस जीरो, तो ये कितना आएगा? देखो E1 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्यू वन आवेश का। कहाँ पर? इस बंद पृष्ठ की सतह पर। E2 क्या चीज़ है? क्यू टू आवेश का विद्युत क्षेत्र। कहाँ पर? इस बंद पृष्ठ की सतह पर। E3 क्या चीज़ है? तीसरे नंबर आवेश का जो बाहर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर? इस बंद पृष्ठ की सतह पर। तो यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ, वैक्टर समेशन इनका कर दूँ, तो ये मेरे को मिल जाना चाहिए ई नेट वैक्टर। और आप समझ पा रहे होगे कि जो ई नेट वेक्टर है वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ई नेट वेक्टर, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। बराबर देखो कितना आएगा, एलसीएम लेके करोगे तो क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया। राइट हैंड साइड में देखो तो क्यू वन प्लस क्यू टू ये आवेशों का जोड़ है। कौन से आवेशों का जोड़ है? जो बंद पृष्ठ के अंदर है या बाहर है? तो जो बंद पृष्ठ के अंदर है उनका ये जोड़ है। तो इन दोनों को मैं लिख देता हूँ क्यू इन से, किससे डिनोट कर देता हूँ इनको? क्यू इन, क्यू इन का मतलब होता है अंदर का आवेश, डॉट डी ए वेक्टर। बराबर ये बन जाएगा कितना? क्यू इन साइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गाउस का नियम। गाउस का नियम। अब देखो कि इसमें ये जो टर्म्स यूज हुए हैं ये क्या है? ई नेट वेक्टर क्या है? देखो हमने ई नेट वेक्टर किसको लिखा है? ई वन को, ई टू को, ई थ्री को और इनके वेक्टर सम को। इसका मतलब क्या है कि ई नेट वेक्टर इस बंद पृष्ठ की सतह पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? ई नेट वेक्टर क्या है? बंद पृष्ठ की सतह पर, बंद पृष्ठ की सतह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या नेट विद्युत क्षेत्र है, नेट विद्युत क्षेत्र है। और किसके द्वारा उत्पन्न? जो आवेश अंदर है और जो आवेश बाहर है। नेट विद्युत क्षेत्र है जो कि पृष्ठ के अंदर व बाहर स्थित आवेशों द्वारा, व बाहर स्थित आवेशों द्वारा सतह पर उत्पन्न होता है। और क्यू इनसाइड क्या चीज़ है? क्यू इनसाइड है बंद सतह के अंदर कुल आवेश, बंद सतह के अंदर का कुल आवेश। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि इस स्टेटमेंट में जो ई नेट है वो ई नेट तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके द्वारा उत्पन्न किया हुआ? चाहे तो आवेश इसके अंदर है, चाहे आवेश क्या है? बाहर है। लेकिन जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्यू इनसाइड, ये क्या चीज़ है? ये केवल उन्हीं आवेशों का योग है जो इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ की सतह पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें और उसके अंदर जो आवेश स्थित है उसमें संबंध को प्रदर्शित करता है। अब मैं इसको एक कथन के रूप में क्या कर देता हूँ? रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कथन ये है कि किसी बंद पृष्ठ के साथ संबद्ध होने वाला कुल फ्लक्स सदैव उस बंद पृष्ठ के अंदर
स्थित आवेश, स्थित कुल आवेश, स्थित कुल आवेश के एक बटा एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट गुणा के बराबर होता है, गुणा के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे गाउस का नियम कहते हैं, इसे गाउस का नियम कहते हैं। ठीक है बात। और इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन सा है? ये वाला है। अभी मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसके साथ आप नेट लगाना चाहो तो लिख सकते हो, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बात। अभी मैंने जो लिखा है वो देखो, सत्यापित हो रहा है यानी हो रहा है इस समीकरण से, बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स यानी कि फाई नेट किसके बराबर होता है? इसके अंदर कुल आवेश यानी कि क्यू इन, और इस कुल आवेश का कितने गुणा? एक बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा। तो ये क्या हो रहा है? इससे सिद्ध हो रहा है। ठीक है बात। और क्या ये वाला जो एक्सप्रेशन है या जो गाउस का नियम है, ये बंद पृष्ठ की सतह के इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके साथ संबंधित करता है? उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना चार्ज है उसके साथ क्या करता है? ये संबंधित करता है। ठीक है बात। इसको नोट कर लें आप लोग, ये गाउस के नियम का स्टेटमेंट है, कथन, गाउस नियम का, गाउस नियम का कथन, इसको आप नोट कर लें। ओके भाई, बाकी मिलते हैं कल।